हेलो फ्रेंड्स, जीके का अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपसे जीके के कुछ सवाल पूछूंगी और उसका जवाब भी बताऊंगी। उससे पहले दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद कितने दिन बाद हंसने लगता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है बच्चा पैदा होने के बाद लगभग एक माह में हंसने लगता है। किस प्रकार के लोग अपने गुस्से पर ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है नरम दिमाग के लोग अपने गुस्से पर ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। भारत के किस देश के लोग किस देश में नहीं घूम सकते? दोस्तों, इसका सही जवाब है भारत के उत्तर कोरिया के लोग भारत में नहीं घूम सकते। ये गाय की औसतन आयु कितनी होती है? दोस्तों, इसका सही जवाब है गाय की औसतन आयु 16 साल की होती है। वो क्या है जो आपके कुछ भी बोलने से टूट जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है खामोशी, जो आपके कुछ भी बोलने से टूट जाती है। लड़कियां कौन सी चीज छुपा कर रखती और बाद में पैसे लेकर देती है? दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, इसका सही जवाब है जीजा जी की जूते, जो लड़कियां छुपा कर रखती है और बाद में पैसे लेकर देती है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा मंदिर है? दोस्तों, इसका सही जवाब है भारत देश है जहां सबसे ज्यादा मंदिर है। आर्यस पहाड़ी किस देश में पाई जाती है? दोस्तों, इसका सही जवाब है आर्यस पहाड़ी ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि सबसे ठंडा फल कौन सा माना जाता है? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है बेल पत्र सबसे ठंडा फल होता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे खरीदते हैं खाने के लिए मगर खाती नहीं है? दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है प्लेट, जिसे खरीदते हैं खाने के लिए मगर खाते नहीं है। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है?
दोस्तों इसका सही जवाब है फिनलैंड को हजार देश की झीलों की भूमि कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं? दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब है कीवी पक्षी जिसके पंख नहीं होते हैं। सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहां पर है? दोस्तों इसका सही जवाब है सबसे लंबी रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में है। किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है आइसलैंड के लोग सबसे ज्यादा किताब पढ़ते हैं। किस देश में सिर्फ 40 मिनट की ही रात होती है? दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब है नॉर्वे देश में 40 मिनट की ही रात होती है। हमारे शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा करता है? दोस्तों इसका सही जवाब है हमारा दिमाग जो बिजली पैदा कर सकता है। जहरवाद रोग कौन से जानवर में होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है जहरवाद रोग पशुओं में होता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दिल उसके सिर में होता है? दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब है झींगा मछली जिसका दिल उसके सिर में होता है। किस जानवर के उंगलियों के निशान इंसानों की तरह होती है? दोस्तों इसका सही जवाब है कोआला जानवर की उंगलियों के निशान इंसानों की तरह होती है। मनुष्य के शरीर पे कहां पर हल्की से भी चोट लग जाए तो मौत हो जाती है? दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों इसका सही जवाब है मनुष्य के शरीर पर मस्तिष्क में हल्की सी भी चोट लग जाए तो मौत हो जाती है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है? दोस्तों इसका सही जवाब है विश्व की सबसे बड़ी हीरे का खान किम्बर्ले दक्षिण अफ्रीका में है। भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब है भारत का बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था।